गुजरात का मैं मेन डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और C&F भी हूँ यहाँ पे। अच्छा। पूरे 27 राज्यों में बिजनेस चला रहा हूँ, यहाँ से प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहा हूँ। लेकिन हमारा तकनीक थोड़ा अलग है, मैं बताऊँ थोड़ा। हाँ बोलिए। ज़्यादातर किसानों को खेती के लिए कभी भी किसी को पूछो कि भाई हमको खेती करनी है तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत रहती है, तो ज़्यादातर लोग खाद है, दवाई है, सीड्स अच्छा है, पानी की व्यवस्था है, ये सारा सोचते हैं। अभी 1968 से हमारे खेतों में रासायनिक खाद यूज़ हो रहा है। हमारी जो जी हो मिट्टी गया है तो 6 इंच ही फलद्रुप है, उपजाऊ है, बाकी की मिट्टी सपोर्टेड है। तो यूरिया है, SSP है, DAP है, यूरिया में 46% नाइट्रोजन है, तो बाकी का 54% जो है वो क्षारीय रॉ मटेरियल है। SSP में 16% है तो 84% क्षार है। ऐसे ही DAP में 18% नाइट्रोजन, 46% फॉस्फोरस, बाकी का क्षार है। अभी क्या होता है, हम मिट्टी पे यूज़ तो करते हैं तो नाइट्रोजन यूज़ हो जाता है लेकिन क्षार है वो पड़ा रहता है। सिंगल सुपर फॉस्फेट में भी ऐसा फॉस्फोरस यूज़ होता है लेकिन क्षार पड़ा रहता है, ऐसे पोटास में भी क्षार पड़ा रहता है। तो क्या हुआ, ज़मीन में 1968 से पड़ते 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 मिट्टी है ना वो कड़क हो गई। जब कड़क मिट्टी होती है तो मिट्टी में ऑक्सीजन जाना बंद होता है, कम हो जाता है, और जहाँ पे कम ऑक्सीजन जाता है वहाँ पे विषाणु हावी होते हैं। तो क्या हुआ, कम कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कम हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बढ़ा, वहाँ पे विषाणु हावी हुए। तो मिट्टी में खाद बनने की जो 3 प्रक्रिया है, उसमें पहली प्रक्रिया है जब मिट्टी में 3 प्रकार के केचुआ है, वाइट प्रकार के, जो 8 ग्राम मिट्टी, 2 ग्राम चूना, पत्थर, निमेटोड और फंगस को खाता है। खाने के बाद छेद करते करते ऊपर आता है, ऊपर जो छोड़ता है, 10 ग्राम खाया तो 10 और 10 ग्राम सेंद्रिय खाद छोड़ता है। एक पौधे को 18 प्रकार के घटक चाहिए, उसमें से 17 प्रकार के घटक वो छोड़ता है। तो दुनिया का अप्रतिम खाद इसको कहते हैं। अभी टेम्परेचर बढ़ गया, 35 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर हो गया, तो वो जो केचुआ है वो मिट्टी में 3 मीटर नीचे जाके सो गया है। तो पहली खाद बनने की प्रक्रिया जो नेचुरल जंगल में होती है वो हमारे खेतों में बंद हो गई। दूसरी खाद बनने की प्रक्रिया जीवाणु के माध्यम से होती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, सल्फर, सिलिकॉन, जिंक, जितने भी जीवाणु हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का अणु खाता है, फॉस्फोरस फॉस्फोरस का खाता है, पोटास पोटास का खाता है, ऊर्जावान बन के 13 से 18 मिनट काम करता है और उसके बाद नई पीढ़ी को जन्म देता है, खुद मरता है और खनिज के तौर पे पौधे को मिलता है। अभी होता क्या है, नाइट्रोजन है बहुत ठंडा है, हाथ में पकड़ो यूरिया तो ठंडा है, लेकिन पौधे के जड़ में डालो तो पौधे को जला देता है। अभी जीवाणु जो है वो सूक्ष्म है, अपन ने बोला कि भाई सूक्ष्म जीवाणु, तो एक हाँ सुई की टॉप पे कम से कम 1 लाख से ज़्यादा जीवाणु होते हैं। जैसे हम मारते हैं तो गर्मी पैदा होती है, तुरंत वो मर जाते हैं, तो 13 से 18 मिनट काम ही नहीं कर पाते। तो जो क्वांटिटी में है वो मरते 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 कम होते कम होते कम होते, आज 10 से 20 करोड़ जीवाणु 1 ग्राम मिट्टी में होना चाहिए, वो हमारे मिट्टी में 1 करोड़ से कम हो गए, यानी 10 से लेके 19 गुना कम हो गया। तो खाद बनने की दूसरी प्रक्रिया बंद हो स्लो हो गई, बंद नहीं हुई, स्लो हो गई। तीसरी खाद बनने की प्रक्रिया है सूर्य प्रकाश, हवा और पानी के माध्यम से पत्ता खुराक बनाता है। आप नेचर को देखिए, कभी भी कोई सीड्स आपने डाला तो जब सीड्स को बाहर निकालता है, उठा के उंग के बाहर निकलता है, तो उसको 100% ताकत चाहिए खाद होगी। लेकिन जैसे उगने के बाद 21 दिन हो गए, पत्ते पत्ते डेवलप हो गए, तो उसके बाद मिट्टी का जो सपोर्ट है सिर्फ 3.8% रहता है और 96.2% सूर्य प्रकाश, हवा और पानी के माध्यम से पत्ता खुराक बनाता है। वो खुराक रात को मिट्टी पे आता है। मिट्टी का 3.8% अगर सपोर्ट मिला तो दोनों मिल के 100% ताकत लगती है। वो थल पे जाता है और थल से निर्णय लेता है पत्ते को, फल को, फूल को, डाली को और जड़ को कितना देना है, ऐसा तय होता है। लेकिन क्या होता है सर कि नीचे का जो सपोर्ट है नहीं मिल रहा है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है। चौथी बात यह है कि भाई कोई भी आदमी बोलता है कि हवा में 78% नाइट्रोजन ऑलरेडी है, तो बात सही है कि है, अगर वो हमारी मिट्टी सोख पाती तो हमें यूरिया की आवश्यकता ही नहीं होती, 46% है उसमें यूरिया में। इसका मतलब यह है कि हमारी मिट्टी इतनी खराब हो गई कि जो कुदरती चीज़ है हवा में फिर भी वो सोख नहीं पाती है।
इसके अलावा भी आप देखिए कि पानी खेतों में बारिश से आता है तो बह के नाला और नदी के माध्यम से समंदर में चला जाता है, तो धीरे धीरे मिट्टी में पानी कम होते कम होते कम हो जा रहा है। इसके अलावा भी हमने सालों से खाद डालते रहते हैं, तो कई खाद यूज़ होता है, कई पड़ा रहता है और कई उड़ जाता है हवा में। तो जो पड़ा रहा है वो 6 इंच जो ऊपर है वो खनिज ही है, लेकिन फिर भी पौधा उठा नहीं पाता। इसका मतलब ये है कि मिट्टी इतनी ख़राब हो चुकी कि नेचुरल अवस्था में जंगल में जो काम करती है वो हमारे खेतों में काम ही नहीं कर रही। इसकी वजह से हमको अलग अलग यूरिया, DAP, ये अलग अलग खाद, अलग अलग दवाई वो भी चाहिए, उससे ज़्यादा, हाँ ज़्यादा डालनी होती है और प्रोडक्शन हर साल नीचे आता है। तो प्रॉब्लम अंदर बहुत सारे हुए हैं और उसका सॉल्यूशन खाद और दवाई नहीं है, उसका सॉल्यूशन है नेचुरल फॉर्म में जंगल में जो सिस्टम से होता है वो हमारे खेतों में से वो सिस्टम ब्रेक हो गई। उस सिस्टम को कैसे वापस लाया जाए उसमें कभी कोई काम नहीं करता है। सबसे अच्छी खाद, सबसे अच्छी दवाई, सबसे अच्छा सीड्स और अच्छे से पानी मिले, बस उतना ही सोचते हैं लोग। तो हम लोगों ने ये बेस के ऊपर काम किया 2001 से 2014 तक। 370 लोग ऐसे चुने जो कृषि यूनिवर्सिटी से रिटायर है, जिन्होंने PhD किए हैं, होशियार स्टूडेंट और गांव के अच्छे किसान, जो साइंटिस्ट जैसे किसान होते हैं वो। ऐसे 370 लोगों को लेके हिंदुस्तान में अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रकार की फसल में अलग अलग सीजन में ट्रायल चालू किए। ट्रायल करते गए, जो जो दिक्कत आती गई उसकी जड़ी बूटियाँ ढूंढी डाली, जो प्रॉब्लम आया ढूंढा, सॉल्व सॉल्यूशन डाला, यानी जड़ी बूटी डाली सॉल्व किया। ऐसे करते करते 13 साल तक ऐसा एक रिसर्च करते करते एक ऐसा प्रोडक्ट बन चुका, इसको जमीन की सपाटी के ऊपर डालोगे तो मिट्टी को भुसभुसित करेगा, उसकी सुवास ऐसी है कि नीचे जाएगी सुवास तो वो जो केचुआ सो गया है सुसुप्त अवस्था में वो जागृत अवस्था में आएगा, ऊपर नीचे आना स्टार्ट होगा, तो 17 प्रकार के जो घटक है धीरे 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 वो एक्टिविटी बढ़ती जाएगी। दूसरा, ऊपर जो डाला है तो ऊपर नीचे केचुआ आएगा, ऑक्सीजन नीचे जमीन में जाएगा, जहाँ ऑक्सीजन जाता है वहाँ विषाणु भागते हैं। दूसरा, ऑक्सीजन गया तो जीवाणु के लिए उत्तम वातावरण क्रिएट हो गया। अभी 13 से 18 मिनट अच्छी तरीके से काम करेंगे, नई पीढ़ी को जन्म देंगे, जितनी ज़्यादा नई पीढ़ी बनेगी ज़्यादा मरेगी, जितनी ज़्यादा मरेगी उतनी खनिज के तौर पे ज़्यादा पौधे को मिलेगा। तो पहली खाद बनने की प्रक्रिया केचुआ के माध्यम से स्टार्ट हो गई, दूसरी ये धीमी थी वो धीरे धीरे फास्ट होने लगी, और तीसरी अगर मिट्टी ही ठीक होने लगती है तो ऊपर से 96.2% सूर्य प्रकाश हवा पत्तों से खुराक नीचे आ रहा है उसको सपोर्ट मिलना स्टार्ट होगा। अगर वो सपोर्ट मिलता है तो तीसरी प्रक्रिया भी फास्ट होगी, और चौथा अगर मिट्टी ठीक हो जाती है तो हवा में जो नाइट्रोजन मुफ्त का है वो यूज़ होना स्टार्ट होता है। तो तीसरे चौथे साल के बाद भी अगर अपन यूरिया बिल्कुल बंद कर देते हैं तो भी नाइट्रोजन की आवश्यकता हमारी मिट्टी में नहीं रहेगी। धीरे धीरे करते 3 से लेके 7 साल कैसे मिट्टी है उसके ऊपर से है, 3 से 7 सालों में 100% ऑर्गेनिक होना है तो हो सकते हैं, या केमिकलों के साथ मिक्स करके जमीन को ठीक ठाक करके उत्पादन अच्छा सा पकड़ के रखना है तो कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऐसा डेवलप ये किया है। बात हाँ हाँ सर, ये बात भी समझ में आया, केमिकल के साथ मिक्स करके नहीं समझे हम इसको। हाँ सर, उसमें जीवाणु नहीं केमिकल है। के साथ मिक्स, हाँ उसमें जीवाणु, हमारे प्रोडक्ट में जीवाणु नहीं है सर, जीवाणु का भोजन है, कार्बन जो बोलते हैं ना, आपने कार्बन का बात किया था तो जीवाणु का भोजन है। सारे प्रकार का जीवाणु जो होते हैं वो कार्बन उनका स्वीटनेस होता है। जैसे आदमी बीमार होता है, किसी को डायबिटीज है, किसी को TB है, किसी को ब्लड प्रेशर है, लेकिन शादी में जाते हैं तो सारे लोग जहाँ से डिश उठाते हैं वहाँ उसके बगल में सलाड होता है, सलाड के बगल में मिठाई होती है, सारे लोग मिठाई धड़ाधड़ खाते हैं। ऐसे स्वीटनेस सारे जीवाणु के लिए स्वीटनेस कार्बन होता है, उसको वो खा के ऊर्जावान बनते हैं। तो जीवाणु नहीं है इसकी वजह से कोई भी खादों के साथ मिक्स करके भी डाल सकते, इवन रासायनिक खादों के साथ, केमिकल दवाइयों के साथ भी मिक्स करके आप छिड़काव कर सकते हैं, पानी में बहा सकते हैं, मिट्टी के साथ भी डाल तो सकते हैं। जो वो जो छरिए छरिए वाला जो बात थी, जो केमिकल जो बन रहा, जो जमीन में रह जा रहा है,
तो जितना परसेंट में हम मिक्स कर रहे हैं उतना परसेंट तो वो फिर बन ही रहा, पानी मतलब वो क्षारीय जो है वो तो बन रहा है फिर। हाँ सर, हर साल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, हर साल 20-20% काटते जाना है, काटते जाना है, काटते कम करते कम करते कम करते कर करते करते बाहर निकलना है। ये गलत हाँ, विषय और समझ साथ में, पाया। हाँ साथ में केचुआ एक्टिव होगा तो उसका खाद भी आएगा और थोड़ा सेंद्रिय भी लोग यूज़ करते हैं, तो सारा करते करते धीरे धीरे निकल जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था आपका ये। जी, अभी आपका जवाब भी जो कदम का कोऑर्डिनेट कर गया, तुरंत मैं समझ गया बात को। जी सर, ठीक सर, बहुत अच्छा सर, आप तो बहुत बड़ा डीपली स्टडी किए हुए हैं आदमी। ये सब्जेक्ट ही ऐसा था जिसको साइंटिफिकली नेचुरली ही इसको स्टडी किया जा सकता था, जो आपने किया है, और वो चीज़ बहुत ज़्यादा अपीलिंग है। गाँव में आदमी ऐसा लोग है कि उन लोग नेचुरल और इस तरह का भाषा ही समझना चाहता है जो नेचुरल है जी बिल्कुल अभी। जी, और बाकी उनको अगर हम लैंग्वेज में समझाएंगे तो नहीं समझते हैं। आपने अभी जितना भी बात बताया आपने, और वो जो